नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिल पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। मगर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियली अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी क्राइम रोमांस वाली फिल्म डीजे टिल्लू। और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में सिद्धू जोनल गड्डा, नेहा शेट्टी और प्रिंस सेसिल के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें डीजे टिल्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक युवा व्यक्ति हैं जो अपना समय लड़कियों का पीछा करने में बिताते हैं, जो किसी दिन डिस्को जॉकी बनना चाहते हैं। हालांकि राधिका के प्यार में पड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 95% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म 118। और इस फिल्म को हिंदी में मिशन 118 नाम से डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में कल्याण राम, निवेता थॉमस और शालिनी पांडे के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक मीडिया पत्रकार गौतम को अक्सर लापता लड़की का सपना आता है। अपने सपने में लड़की के ठिकाने का पता लगाने की प्रक्रिया में गौतम को पता चलता है कि वह आद्या है। कौन है आद्या? क्या सच में वो असल दुनिया में भी गायब है? यदि हाँ, तो उसकी गुमशुदगी के पीछे के दोषी कौन है? गौतम कहानी में सस्पेंस पहेली को कैसे सुलझाएगा ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 81% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन फैंटेसी रोमांस वाली फिल्म 30 रोजुलो प्रेम इन चंदम इला। और इस फिल्म को हिंदी में 30 दिन में प्यार नाम से डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में प्रदीप, मीची राजू, अमृत अय्यर, रश्मि गौतम और शारण्य प्रदीप के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कॉलेज के दो छात्र अर्जुन और अक्षरा गलत कदमों पर उतर जाते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। एक अवसर पर वे दोनों दोस्तों के साथ अरुण जाते हैं। देवी की मूर्ति के सामने एक अप्रत्याशित घटना घटती है जो उनके जीवन को बदल देती है, और पिछले जन्म से अपने संबंध का एहसास करते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और वे अपने पिछले जन्म में एक अनोखा बंधन साझा करते थे। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 81% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा वाली फिल्म स्काई लैब। और इस फिल्म को हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नित्या मेनन, सत्यदेव और राहुल रामकृष्ण के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो स्काई लैब नामक अंतरिक्ष में बनी एक प्रायोगिक प्रयोगशाला के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अराजकता तब होती है जब कुछ ग्रामीणों को पता चलता है कि उनके सुदूर ग्राम में एक अंतरिक्ष स्टेशन गिरने वाला है। हालांकि त्रासदी को उल्लसित घटनाओं की एक श्रृंखला में बदलने में देर नहीं लगती। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 61% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती 2019 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म मिखाइल। और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में निवीन पोली, उन्नी मुकुंदन और डीजी चक्रवर्ती के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक व्यापारी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक युवती को आत्महत्या करने की कोशिश करता है। हालांकि महिला का भाई एक डॉक्टर उसे बचाता है और अपने परिवार को बचाने की और दुश्मन को मिटाने की कसम खाता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 75% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा वाली फिल्म सुरराई पोट्रू। और इस फिल्म को हिंदी में उड़ान नाम से डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में सूर्या, अपर्णा बाला, मुरली और परेश रावल के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे।
बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो यह फिल्म एयर डेक्कन के संस्थापक जी आर गोपीनाथ की घटनाओं और संघर्ष पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक दूर दराज के गांव का एक युवा मारा अपनी खुद की एयरलाइन सेवा शुरू करने का सपना देखता है। मारा आम आदमी को उड़ाने के लिए तैयार करता है और इस प्रक्रिया में दुनिया के सबसे अधिक पूंजी प्रधान उद्योग और कई दुश्मनों को अपने रास्ते में खड़ा करता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिर अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर की तरफ से 95% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की बेहतरीन 6 फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।